खूप सेल्फीज सुरू आहेत कारण सगळे चाहते त्याला भेटण्यासाठी उत्सुक आहेत. पण अंकितशी आपण बोलूया. लोगों का प्यार ही है, प्यार को मना नहीं कर सकते. तो खाना खाया तूने? हाँ सर. क्या नाम है? दीपक तिवारी. दीपक, फोटो लू? हाँ सर. सुपर. म्हणजे अंकित कोणालाही नकार देत नाही सेल्फीसाठी. बहुत प्यारी स्मेल आहे तुम्हारी, एकदम अजय देवगन सर जैसी लग रही है. थँक यू सर. किती क्यूट मोमेंट झाला ना अंकित. फिल्म की फील आ, कीड़ा आ रहा है. नमस्कार, मी प्रेरणा. तुम्ही बघताय लच्च मराठी. मराठीतला सगळ्यात मोठा लॉन्च सोहळा झालेला आहे, जिथे 7 मराठी चित्रपटांची घोषणा आणि या चित्रपटांचे पोस्टर, त्या सकटच ती कास्ट देखील रिव्हील करण्यात आली आणि हे सगळे उपस्थित आहे. या निमित्तानं अंकित मोहन आहे आपल्यासोबत. सो खूप सेल्फीज सुरू आहेत कारण सगळे चाहते त्याला भेटण्यासाठी उत्सुक आहेत. पण अंकितशी आपण बोलूया. लोगों का प्यार ही है, प्यार को मना नहीं कर सकते. तो खाना खाया तूने? हाँ सर. क्या नाम है? दीपक तिवारी. दीपक, फोटो लू? हाँ सर. सुपर. म्हणजे अंकित कोणालाही नकार देत नाही सेल्फीसाठी. बहुत प्यारी स्माइल आहे तुम्हारी, एकदम अजय देवगन सर जैसी लग रही है. थँक यू सर. किती क्यूट मोमेंट झाला ना अंकित. फिल्म की फील आ, कीड़ा आ रहा है अंदर. लाइट मोमेंट करने का ही है ना, थोड़ा सा अच्छा मोमेंट क्रिएट करने का. बट ऑफ कोर्स लोग हैं तो मैं हूं यार. बिल्कुल. आणि तू कायम तुझ्या चाहत्यांची कदर करतोस आणि त्यांना वेळ काढून सेल्फी ही देतोस, हे आम्ही आता साक्षात कॅमेरा समोर बघितलेलं आहे. बस सेल्फी दे सकता हूं, अकाउंट नंबर नहीं दे सकता. बट एप्रिल फूल, वाव, अमेझिंग. 7 फिल्म्सचे पोस्टर रिलीज झालेत, कास्ट आज बघायला मिळाली आणि तुझं ग्रेट फीलिंग, यु नो. मैं मतलब मैंने ऑनेस्टली स्टेज पे वो बात सच बोली कि इतना तो मेरा हार्ट बीट ट्रेडमिल पे भागते हुए नहीं होता है जितना आज वहाँ खड़े होके हो रहा था. और जैसे निनाद सर ने बोला कि कोई एक्टर लैंग्वेज का यू नो की वजह से रुकना नहीं चाहिए और ना उसे यू नो लोगों को उसे रोकना चाहिए. और तो आज इन सब के बीच में बैठ के मुझे लगा कि हाँ, मतलब यू नो अब वो लाइफ की एक जो कहते हैं ना कि आप पहचान का एक पड़ाव जो होता है, अब तक लोगों ने फिल्म देखी है, फिल्म के काम को, मेहनत को अप्रिशिएट किया है. बट ऐसे एम्बियंस में, लोगों के बीच में, इतने यू नो नामी गिरामी, उर्मिला मैम, मतलब यार, मतलब चक्कर आ गया यार. यार किसको नहीं आएंगे यार, इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब नज़र ना लग. तो मतलब यू नो उनको मतलब देख के यार, मतलब हुआ यार कि हाँ, मतलब अंकित लाइफ में कुछ हो रहा है बाबा. बहुत कुछ नहीं, बड़ा हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. मतलब बड़ा के लिए तो यू नो अभी सबका एक यूनिटी, एक साथ, एक यूनिट की तरह आगे बढ़ रहे हैं. बट ऑफ कोर्स सबसे पहली बात कि जब मैंने सुना कि 7 फिल्में आ रही हैं, मतलब मैंने उनसे बोला कि सर मैं इसका हिस्सा बनूं या ना बनूं, बट 7 फिल्में आ रही हैं. आप ये सोचो, फ्रॉम डायरेक्टर टू स्पॉट, पूरी टीम 7 लोगों की, कितने सारे लोग, कितने अपने सपने, छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करेंगे जब सबको काम मिलेगा, सब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, यू नो. सो आई गेस इट्स अ जर्नी जो अभी सब एक साथ मिलके जी रहे हैं. एंड इफ यू लुक अराउंड, एवरीबॉडी इज हैप्पी एंड दैट्स द ग्रेट थिंग. खूप छान वाटतं या सगळ्यामध्ये. तुझा एप्रिल फुल हा चित्रपट, त्याच्याबद्दल सांग. प्रियदर्शनचा चित्रपट आहे, सोबत सिद्धार्थ आहे, कास्ट आहे सगळं. यार ये तो पहले मुझे लगा कि शायद मेरा ही एप्रिल फुल हो गया, ऑनेस्टली बताऊं क्यों. परसों हमारी बात हुई फोन पे और कल फाइनल हो गया. आज लॉन्च हो गया. मैंने कहा ये मेरे साथ नहीं है, अप्रैल फूल तो नहीं हो रहा. मैंने स्टाइलिश से कपड़े वपड़े ले लिए, थोड़ा मतलब एकदम भारी भारी चमक के आया. मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि मैं जा रहा हूँ मेरा अप्रैल फूल बनेगा. बट नहीं, ऑफ कोर्स लाइफ में कहते हैं ना, जब कुछ बड़ा होना होता है तो अच्छे लोग आपके आसपास जुड़ जाते हैं. और आई गेस यही है वो अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मुझे एक अलग जॉनर की एक फिल्म करने का मौका मिला है. एंड आई गेस मैं पूरी जैसे अपनी जान और अपना दिल, अपनी स्किन, अपना हार्ट, हर चीज़, हर एक्शन फिल्म में डालता हूँ, मैं इसमें भी पूरा उससे डबल डालने का ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं लोग मुझे किसी और रूप में भी देखें. लेकिन घर पे जो लिटिल मंचकिन है उसके लिए मतलब घर से निकलना पड़ता है शूट के लिए, हालांकि तो मन करता है. मतलब मैं अभी ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अभी बैठा हुआ इन बिटवीन मैंने रुचि को मैसेज किया था. मैंने कहा आज का जो मुझे फील हो रहा है ना, आई विश आई कुड टेल यू इन वर्ड्स, बट मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसे किसी अपॉर्चुनिटी में रुआन यहाँ बैठा हुआ और वो चिल्ला के बोलेगा मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, ये होगा, जल्दी होगा. एंड इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ रुचि, बिकॉज उसने घर को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल किया हुआ है, ताकि मैं और यू नो मेरी ख्वाहिशें जो मैं काम में अब दिखाना चाहता हूँ और उससे मैं एक फैमिली को एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देना चाहता हूँ, वो देने के लिए अब मुझे सपोर्ट मिलने लगा है. और सबसे बेस्ट चीज़ हमारी लाइफ की है रुआन, वो उसकी स्माइल, मतलब मैं कितना भी थका हारा जाऊँ, चाहे मेरा दिन 12 की जगह 18 घंटे में ख़त्म हो, बट जब भी मैं जाता हूँ वेन ही गिव्स अ स्माइल, मुझे लगता है यार यू नो इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव अ चाइल्ड लाइक, ट्रस्ट मी. अंकित बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा एक
उसके बचपन के पैदा होने से अब तक मैंने किया हुआ है. मेरी वो महाराज की मूर्ति है, तो मैं उसको वहाँ लेके जाके एवरी डे आई मेक श्योर कि वो उठे और वो उनको मुजरा करे, और वो डेली करता हूँ मैं, एक भी दिन मिस नहीं हुआ अब तक. और वो जब वो स्माइल देता है ना, तो मेरे मुँह से निकलता है कि बेटा दादाजी हैं, प्रणाम करो. उनका वो, उसका वो रिलेशन उनसे मुझे डेवलप करने के लिए जो अभी मैं एक हल्का हल्का पुश कर रहा हूँ, आई नो कि जब वो 10 साल का हो जाएगा तो जितना मैं प्यार करता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा प्यार वो करेगा. जल्दी उसको भी मिलूंगी. वेलकम. बहुत बहुत शुभकामनाएं आणि खूप इंटरेस्टिंग वाटते हे सगळं, आणि लवकरच फिल्म ट्रेलर लॉन्च होयला वगैरे डायरेक्ट भेटूयात. केलं केलं केलं. थँक्यू सो मच, अँड थँक्यू सो मच इतना प्यार देने के लिए.